बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। इस वीक की क्लोजिंग अगेन एक इसमें एक डोजी फॉर्म हुआ। क्लोजिंग में देखें तो यहाँ पे भी एक डोजी फॉर्म हुआ था और इसकी नेगेशन लास्ट वीक मैंने बताया इसकी नेगेशन मिली, लेकिन इसकी कन्फर्मेशन मिलना जरूरी है जो कि किसी नेक्स्ट बेरिश कैंडल की सूरत में मिल सकती है फॉर बेरिश कंटिन्यूएशन, और बुलिश कैंडल की सूरत में मिल सकती है फॉर बुलिश रिवर्सल। लेकिन अभी तक देखें तो इस वीक में कोई ऐसी कंफर्मेशन मिली नहीं। अगेन एक डोजी फॉर्म हुआ है। डोजी का मैंने आपको पहले बताया था इनडिसाइसिव होता है कि मार्केट अभी इनडिसाइसिव है, डिसाइड नहीं कर पा रही है कि वो नीचे की तरफ आएगी या ऊपर की तरफ जाएगी। तो इसका अंदाजा लगाने के लिए यही जो लेवल मैंने आपको बताए थे सीपीआर के बैंड जो बताए थे, अपर बैंड, मिडिल बैंड और लोअर बैंड, तो हो सकता है इसी के दरमियान मार्केट मूव करे। जैसे अभी देखिए इस वक्त ये अपर बैंड सॉरी मिडिल बैंड और अपर बैंड के बीच में मार्केट मूव कर रही है, जो कि इस वक्त बन रहा है 66,520 से लेके 64,945। ये इसी के बीच में अभी इस वक्त देखे तो मार्केट मूव कर रही है वीक ऑन वीक बेसिस पे। तो इसका मतलब ये है कि साइडवेज है, अप साइड पे जो है यहाँ कंसोलिडेशन हो रही है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स, अनलेस और अनटिल कोई इसके यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल नहीं बनती इसको निगेट करने के लिए। तो अभी इस वक्त तो साइडवेज है, इसका मतलब ये है कि मार्केट यहाँ पे इनडिसाइसिव चल रही है और साइडवेज है, दैट मींस कि मार्केट अभी अपना डायरेक्शन अभी तक बताने से कासिर है। बहरहाल सीपीआर का लेवल है वो आपको हेल्प करेगा इसमें। स्ट्रेटेजी अभी भी हो ही नहीं चाहिए, बाय ऑन डिप सेल ऑन स्ट्रेंथ, जब तक के ये लेवल ब्रेक नहीं होता वीक ऑन वीक बेसिस पे विद कंफर्मेशन। देखिए यहाँ पे ये इसके नीचे आए भी थे, बेरिश कैंडल बनी थी लेकिन एक बुलिश कैंडल ने इसको नेगेट किया और अगेन एक दूसरी कैंडल ने इसको कंफर्म किया, लेकिन अगेन अब यहाँ पे आके ये फिर मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गई है। तो हो सकता है वापिस ये नीचे दोबारा जो है इसी साइड पे आके इसी लेवल पे आके ये हो सकता है ये डबल बॉटम भी बनाए। ये वाला एरिया जो है इसको मैं जो है ग्रीन कलर दे देता हूँ, ये वाला ये लेवल बनता है 59,376 का, ये लेवल जो है वो रिटेस्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अभी इस वक्त देखें तो ये अच्छा सपोर्ट लेवल यहाँ पे ये बनता हुआ नजर आ रहा है। ये वाला लेवल जो है ये भी एक अच्छा सपोर्ट लेवल है जो कि इस कैंडल का नेकलाइक सपोर्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे विक बनती है नीचे की तरफ आता है, तो मैंने एहतियातन ये ले लिया था लेवल ये वाला 62,450 का, वैसे 61,651 ये अच्छा सपोर्ट लेवल है। देखिए इसको ये इसको ब्रीज भी किया था यहाँ पे वीक ऑन वीक बेसिस से, लेकिन इसको निगेट किया सेकंड कैंडल ने और अभी तक इसी के ऊपर मार्केट परफॉर्म कर रही है 61,651, ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। अगर इसको ब्रेक करता है लेवल तो फिर ये डबल बॉटम यहाँ पे ये बन सकता है मोस्ट प्रोबेबली। अपर साइड पे देखें तो अब इस वक्त जो लेवल है सीपीआर का 66,520 ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे सामने आ रहा है। वैसे तो यहाँ पे ये इसी एरिया में अगर हम देखें डे ऑन डे बेसिस पे डेली चार्ट के हिसाब से तो ये इस एरिया पे ये वाली जो डोजी बना था, ठीक है, इसकी क्लोजिंग ओपनिंग सब सेम थी, ये वाला लेवल है, ठीक है। इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ। तो अभी फिलहाल देखें तो 66,162 का लेवल, ठीक है, ये भी जो है ये ब्रेक नहीं कर पा रहा है 66,520 तो दूर की बात है। तो ये मतलब समझिए ये लेवल जो है इवन 67,500 तक भी जो है यहाँ विक तो यहाँ बनी तो हो सकता है, या फिर एक कोई बड़ी और बड़ी विक बन जाए और ये डबल टॉप करके नीचे आ जाए, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली मैं कह रहा हूँ। तो अभी इस वक्त देखें तो करंट सिनेरियो में मार्केट काफी जो है आरएसआई देखें तो हाई पर है, 65 पर है, 65 कंसिडर टू बी हाई वीकली पे, क्योंकि 60 के ऊपर जाए तो 70-80 ये सब ओवर बॉट जोन में जो है वो कंसीडर किया जाता है। अच्छा, मैंने लास्ट वीक भी आपको बताया था कि हिस्टोग्राम, ठीक है ना, बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा हिस्टोग्राम पे आपने कैसे बताया, ये तो इनको समझ में आ गया आप लोगों को कभी ये मैंने ये आ रहे से बताया था कि डाइवर्जेंस आ रहा है। हिस्टोग्राम के डाइवर्जेंस का मतलब मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखें यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको ये वर्टिकल्स ले लेता हूँ, ठीक है ना, वर्टिकल मैं आपको यहाँ पे ये लाइन से समझा देता हूँ। देखिए ये कैंडल बल के चले, ये बुलिश कैंडल ले लें, ये वाली बुलिश कैंडल बनी थी ना, ठीक है ना, तो इसका हाई था 66,273, ठीक है, इस कैंडल का। तो यहाँ पे देखें ये हिस्टोग्राम जो है आपको यहाँ पे बता रहा था ये
1500, ये मैं ब्लैक कलर दे देता हूँ इसको, 1578, 1579, 1578, ये समझ लें। अच्छा अब इसी तरह इसको ले लें या ये ले लें, इसका भी हाई जो था 66,150, ठीक है ना, इसका भी हाई 66,196, तो यही ले लेते हैं हम अभी लेटेस्ट जो इस वीक की जो डोजी बनाए, कैंडल तो नहीं कहेंगे ये, इसको हम ले लें। तो देखिए यहाँ पे डाइवर्जेंस आ रहा है, ठीक है ना, इसने इसलिए यही हाई लेवल टच किया था, ठीक है, हाई बनाया था, इधर ही हाई तो ज्यादा बनाया था, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग हुई थी वो 66,200 के करीब हुई थी, ये भी तकरीबन 66,200 के करीब ही गया, ये 66,200 से थोड़ा ऊपर था, ये 66,200 से थोड़ा कम है, लेकिन यहाँ हिस्टोग्राम पे देखें, ये मैं आपको जरा आप इसको हिस्टोग्राम को आपको बता देता हूँ सही तरीके से, यहाँ पे ये डाइवर्जेंस आ रहा है, यहाँ पे ये रेड हो गया है और नीचे की तरफ शो कर रहा है ये वाला, ठीक है ना, हालांकि अपर साइड पे ये मार्केट आपको अपर साइड पे दिखा रही है, उसी लेवल को रिटेस्ट कर रही है 66,200 के लेवल को, लेकिन हिस्टोग्राम इसको नीचे, इसको डाइवर्जेंस इसमें आपको शो कर रहा है, हिस्टोग्राम इसको नीचे माइनस में या नेगेटिव में शो कर रहा है। हालांकि देखें वॉल्यूम भी आपको यहाँ बुलिश ही बता रहे हैं, यहाँ पे बाइंग ही दिखा रहा है यहाँ पे इस लेवल पे, लेकिन ये हिस्टोग्राम इसको जो है इसको निगेट कर रहा है, एक तरह से इसमें डाइवर्जेंस आ रही है, और RSI में भी ऑब्वियसली आ रही है। मैं आपको जो नए आने वाले उनको मैं फिर दोबारा से करके बता देता हूँ, ये लाइन चार्ट, ये बना के लाइन चार्ट के हिसाब से अगर हम यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन लेंगे, ठीक है, ये देखिए लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, और अगर हम RSI पे देखेंगे तो ये लाइन सीधी है बिल्कुल, इस पर डाइवर्जेंस हल्का सा आ रहा, मैंने बताया था ना ये स्ट्रेट आ रही है और ये ऊपर की तरफ जा रही है लाइन, तो ये भी एक RSI पे डाइवर्जेंस है, ये मैंने लास्ट वीक बता दिया था, लेकिन नए आने वालों के लिए मैंने ये दोबारा से बता दिया। अब फिर से हम इसमें आ जाते हैं, इस चार्ट की मदद से हम देख लें, ठीक है, ये मैं रिमूव कर देता हूँ, ये आपको समझ में आ गए होंगे होपफुली, ठीक है, ये मैं रिमूव कर देता हूँ डाइवर्जेंस जितने भी है, लेकिन अभी आपने देखना है कि ये कम से कम जो है ये वाला लेवल जो मैंने आपको बताया CPR का अपर लेवल 66,520 या 66,600 और टू बी ऑन द सेफ साइड, ये लेवल वीक ऑन वीक बेसिस पे विद इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन और वॉल्यूम मेंटेन होना चाहिए, यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी आनी चाहिए इंडेक्स की। अभी जिस तरह मैंने मार्केट कैपिटलाइजेशन में बोला, तो लास्ट वीक भी मैंने आपको बताया था कि 151 बिलियन इसमें डिक्रीज हुए थे, क्योंकि ऐसी बात है, ये एक बुलिश बेरिश कैंडल बनी थी और मार्केट से ऑब्वियसली मार्केट इसमें यहाँ से आउट भी हुए थे 151 बिलियन। अच्छा इस हफ्ते में भी देखें यहाँ पे डोजी फॉर्म हुआ है और यहाँ पे आपको जो है बाय भी शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भी एक डाइवर्जेंस है, देखें मार्केट कैपिटलाइजेशन में यहाँ पे डिक्रीज हुआ है, अगेन थोड़ी सी कम अमाउंट है 32 बिलियन रुपीज, यहाँ पे भी डिक्रीज हुआ है, तो अगेन देखिए डाइवर्जेंस RSI पे भी आ रहा है, MACD में भी आ रहा है और मार्केट कैपिटलाइजेशन में भी आ रहा है, इतने वॉल्यूम के बाद अच्छे लेवल पे जाके, और ऑल दो यहाँ पे देखें तो ये रिजेक्शन भी हम देख रहे हैं, यहाँ पे देखें विक बन रही है इसी लेवल पे 66,200 इसके अराउंड जो है यहाँ पे विक भी बन रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे रिजेक्शन हम देख रहे हैं, कई दफा रिटेस्ट किया है लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पाया इस लेवल को, कोई बुलिश कैंडल यहाँ पे नहीं बन रही, इसलिए मैं कह रहा हूँ बी कॉशियस और कॉशियस रहें, बी कॉशियस और बिल्कुल स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन स्ट्रेंथ, जो लोअर RSI हैं उनको आप देख सकते हैं, जो बिल्कुल ही ओवरसोल्ड जोन में चले गए उन स्टॉक को आप देख सकते हैं, उसमें आप जो है वॉलेटिलिटी जो हाई वॉलेटाइल स्टॉक है उनमें आप ट्रेड कर सकते हैं, चाहे वो ओवरबॉट भी हो, लेकिन जैसे वो नीचे की तरफ आए डेली या आवरली बेस पे ओवरसोल्ड एरिया में आए तो उनको आप बाय करके अपर साइड पे सेल कर सकते हैं, तो अभी फिलहाल आपकी स्ट्रेटेजी यही होगी। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।